देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली और भाषण में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जहां एक ओर केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर क्या वजह है जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जानने से पहले वीडियो देखिए। बता दें कि ये वीडियो पौड़ी का है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हुए हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सड़क पर उतरी। सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और भोजन माता समेत 11 संगठन पौड़ी की सड़कों पर गरजे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने कहा कि उनको मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उनसे अतिरिक्त सेवा भी ली जा रही है। संगठनों की मांग है कि उन्हें वेतन भोगी बनाते हुए न्यूनतम 18,000 मानदेय दिया जाए। वहीं इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन की जिलाध्यक्ष पूनम केंतुरा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित रहता है। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर अब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगी। हम सरकारों से ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आपके घोषणा पत्रों में सबसे पहले महिलाएं रहती है या उनका विकास या महिला सशक्तिकरण के नारे रहते हैं, आपकी पहली हेडलाइन रहती है, और पूरे 5 साल आप उन्हीं भाषणबाजियों में और इसी गलतफहमियों में आप गुमराह महिलाओं को कर देते हैं कि इतने वर्ष बनने के बाद भी, इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर फिर हम उसी मांग उसी पायदान पे खड़े तो कहाँ पे महिला सशक्तिकरण है, आप हमें बताइए। क्या होल्डिंग और पोस्टरों पे लगाने से बोलने से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसी पे आज हमारा फिर दोबारा ये आज हमने रैली की, हमने 5 तारीख विधानसभा घेराव के दिन भी अपना ज्ञापन दिया था और 11 दिन का टाइम आज हो चुका है, सरकारों ने कोई वार्ता हमसे नहीं की है। लिहाजा आज हमने 16 तारीख को सारी ट्रेड यूनियनों ने मिलके पूरे 13 जनपदों में राज्य के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को हमारा ज्ञापन जाएगा और शाम तक भी अगर सरकारों ने हमें कोई चेतावनी नहीं दी, कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो कल से केंद्रों में तालाबंदी होगी और हम लोकसभा में पूर्ण कार्य वोट देने के लिए भी हम बहिष्कार कर देंगे। 23 लाख वर्कर इंडिया में आंगनबाड़ी। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर सीटू के यूनियन महासचिव ने कहा, महंगाई को देखते हुए सीटू आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और अन्य 11 संगठनों के सभी कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज हमने एक दिन का हड़ताल किया है। जो है 11 ट्रेड यूनियन है जो पूरे देश के अंदर, जो हमारे 11 ट्रेड यूनियन है उसमें इंटक है, एटक है, सीटू है और तमाम फेडरेशन है हमारे, जो बड़े बड़े फेडरेशन सबके एक दिन के हड़ताल। दूसरा जो है आंगनबाड़ी का और भोजन माता आशा का, इनको जो है जैसे ग्राम प्रेरी है, जैसे कि जितने भी लोग हैं उपनल वाले हैं, ये तमाम जितने भी हैं जो पीटीसी वाले हैं, तमाम जितने भी लोग हैं जितने भी विभागों में काम करते हैं, उनको जो है 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए आज की महंगाई के साथ। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और भोजन माता समेत 11 संगठन की मांगों को पूरा करती है या इनको ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।